दोस्तों आज की डेट में सर्वाइकल की प्रॉब्लम या फिर कहें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही हैं, खास करके अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही है, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल और स्केड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही है। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या फिर सर्वाइकल कहें कि क्या होता है, कैसे होता है, इसके मतलब कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसी के साथ साथ इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेडीबडी। बात करें दोस्तों अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की कि क्या होती है, तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो एक तरह की ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब भी बात आती है दोस्तों तो ये एक तरह की डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक तरह की डीजेनरेटिव डिजीज़ है, तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो भी एक तरह की डीजेनरेटिव डिजीज़ ही है। हालांकि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो हमारे नेक के वर्टिब्रे में होती है, जो हमारा नेक के बैक का पोर्शन होता है वहाँ पे ये होती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है। अब बात करते हैं ये एग्जैक्टली कैसे होती है। अब जब ये दोस्तों एक तरह की डीजेनरेटिव डिजीज़ है, तो जो बोन के ऊपर से कार्टिलेज लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जो कार्टिलेज लाइनिंग होती है बोन के ऊपर एग्जैक्टली एक तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो कि बोन को प्रोटेक्ट करके रखती है, बोन को लंबे समय तक के लिए बचा करके रखती है। तो जो स्पाइनल डिस्क हैं और नेक के बीच में जो जॉइंट्स हैं, इन सब में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, उसी के साथ साथ लंबे समय तक अगर आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो बहुत एक बड़ा रीज़न होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसी के साथ साथ इसमें अलग अलग विटामिंस और अलग अलग मिनरल्स की कमी से भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार अलग अलग विटामिंस और मिनरल्स अगर हमारे शरीर में कम होते हैं तो भी ये होने के चांसेस रहता है। ओबेसिटी इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न आता है दोस्तों, जो मोटापा है अगर एक्सेस में रहता है तो भी ये होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्त। उसी के साथ साथ बात करें अगर जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके फोर फादर्स में अगर ये होती आ रही है तो भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लास्ट इसमें आता है दोस्तों जो आपका स्लीपिंग पॉस्चर है, अगर वो गलत रहता है, रॉन्ग स्लीपिंग पॉस्चर रहता है, तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप पॉस्चर सुधार लेते हैं स्टार्टिंग में ही, अगर आप उसको सही कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको डिले कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके सिम्टम्स की, अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स में सर्वाइकल पेन होगा, जिसको माइलोपैथी और रेडिकुलोपैथी कहते हैं कॉमन मेडिकल लैंग्वेजेस में। उसी के साथ साथ दोस्तों नेक में पेन होगा, नेक वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्टिफनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा अकड़न रहेगी नेक वाले रीजन में। उसी के साथ साथ हल्का हल्का हेडेक भी बना रहेगा। तो ये कुछ कॉमन इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करें अगर दोस्तों इसके ट्रीटमेंट्स की, तो जो जनरल ट्रीटमेंट है उसमें आप इसमें NSAIDs दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि नॉर्मल पेन वगैरह में काम आती हैं, वो दवाइयाँ चलती हैं। उसी के साथ साथ इसमें आपका ट्रैक्शन, मतलब फिजियोथेरेपी, अलग अलग तरह की फिजियोथेरेपी में ट्रैक्शन आता है, वो किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ अलग अलग एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं दोस्तों। लास्ट इसमें अगर सारी एक्सरसाइजेज और सब ट्रैक्शन सारे फिजियोथेरेपी के बाद भी अगर सही नहीं होता है तो ऑपरेशन का चांस आता है दोस्तों, जिसमें डिस्क रिप्लेसमेंट किया जाता है और अलग अलग तरह के रिप्लेसमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसी के साथ साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।